वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फैक्टर ऑफ प्रोपेरिटी इंप्रूवमेंट। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करते हैं। जैसा कि आपको पता चलता है कि ये जो पॉपुलेशन है जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो इतनी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड कराना इट इज़ नॉट ईजी टास्क। ठीक है, तो इतनी पॉपुलेशन और फूड भी अच्छा फूड, अच्छी क्वालिटी का फूड प्रोवाइड करवाना बहुत आसान काम नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, अपने फूड का प्रोडक्शन भी बढ़ाना है और अपनी वैरायटी में कुछ इम्प्रूवमेंट भी करना है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी क्रॉप वैरायटी में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने कुछ फैक्टर्स मेंशन किए हैं जिनको मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट टॉपिक इज, द फर्स्ट फैक्टर इज हायर यील्ड। हायर यील्ड का मतलब होता है हायर प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होना। आपकी जो क्रॉप वैरायटी है वो ऐसी होनी चाहिए जो आपको ज्यादा प्रोडक्शन दे। अगर वो ज्यादा प्रोडक्शन देगी तभी आप इतनी तेजी से बढ़ रही पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करवा पाओगे। तो हम इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं, हम क्यों क्रॉप वैरायटी को बढ़ा रहे हैं, क्यों इसको इम्प्रूव कर रहे हैं? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन को फूड मिल सके, अच्छा फूड मिल सके। तो हम क्या करेंगे, अपनी हायरिटी को बढ़ाएंगे, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, हम ऐसी क्रॉप यूज करेंगे। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड क्वालिटी। अब हमने फूड का प्रोडक्शन तो बढ़ा लिया, पर यहाँ पे जरूरी है कि जो फूड हम खा रहे हैं, जो इतनी पॉपुलेशन को फूड मिल रहा है, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव्ड होना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना है, मान लीजिए हमारे पास दो तरह का फूड है, एक प्रोटीन रिच है और एक विटामिन रिच है। तो हमें क्या करना है, हमको प्रोटीन वाले फूड को क्वालिटी को और इम्प्रूव करना है, जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिल सके। और हमारा जो विटामिन वाला फूड है, हमें उसमें विटामिन को और ज़्यादा बढ़ाना है, ताकि जब भी हम ये फूड खाएं तो हमको ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा विटामिन मिले, हमको न्यूट्रिएंट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। क्योंकि यही न्यूट्रिएंट तो है जो हमारी क्वालिटी में हमको इम्प्रूव करना है ना। इसलिए हमको क्या करना है, अपने फूड को क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट है बायोटिक एंड ए बायोटिक रेसिस्टेंट। हमारी जो क्रॉप है वो ए बायोटिक और बायोटिक रेसिस्टेंस होनी चाहिए। आपके दो तरह के फैक्टर होते हैं, एबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में आ जाते हैं आपके वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं प्लांट में, इसमें आ गए आपके बैक्टीरिया आ गए, निमेटोड्स आ गए। और एबायोटिक फैक्टर्स में आ गए आपके हॉट कोल्ड, टेम्परेचर हो गया आपका, वाटर लॉगिंग हो गया, सैलिनिटी हो गई, ठीक है, ड्रॉ हो गया, मतलब किसी भी तरह की कंडीशन हो, चाहे सूखा हो, बाढ़ हो, कुछ भी हो, जो हमारी क्रॉप है वो ऐसी होनी चाहिए कि हर तरह के स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में भी आपको एटलीस्ट 75% प्रोडक्शन तो दे ही सकती है। ऐसी हमारी क्रॉप वैरायटी होनी चाहिए। अगर सूखा पड़ रहा है, पानी ज़्यादा नहीं है, तो हमारी क्रॉप ऐसी होनी चाहिए जो आपको 75% तो रिजल्ट दे, ठीक है। तो हमारी जो क्रॉप है वो कैसी होनी चाहिए, ए बायोटिक एंड बायोटिक रेसिस्टेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट है चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। मैच्योरिटी ड्यूरेशन का मतलब है कि जो सोइंग से लेके हार्वेस्ट करने तक का जो टाइम होता है किसी भी प्लांट में, वो होता है मैच्योरेशन पीरियड, ठीक है। तो हमारी जो क्रॉप है, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए, शॉर्ट पीरियड होना चाहिए। मतलब जो सोइंग से लेके जो हार्वेस्टेड तक का टाइम है वो शॉर्ट होना चाहिए। अगर ये शॉर्ट रहेगा तो इसका क्या बेनिफिट मिलेगा फार्मर को, वो आप सुनिए। फार्मर क्या एक साल में 2 से ज़्यादा क्रॉप्स कर सकता है, ठीक है। हार्वेस्टेड के टाइम पे जो लॉस होता है वो नहीं होगा, ठीक है। तो इससे किसको फ़ायदा होगा, इससे फार्मर्स को फार्मर फायदा होगा, वो इकोनॉमिकली अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा, ठीक है। तो जो हमारी क्रॉप है वो कैसी होनी चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट है वाइडर एडेप्टेबिलिटी। वाइडर एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है जो आपकी क्रॉप है वो ऐसी होनी चाहिए, आप चाहे किसी भी डिफरेंट डिफरेंट एरिया में उसको कल्टिवेट कर रहे हैं, वो वहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव कर दे और आपको अच्छा प्रोडक्शन दे। मीन्स वो वहाँ क्या कर रही है, वहाँ के एटमोसफेयर को अडॉप्ट कर रही है। नेक्स्ट है डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि अगर किसी प्लांट की टॉलनेस है तो हमको उस प्लांट को टॉल ही बनाना है, ठीक है, ये उसका डिजायरेबल कैरेक्टर हो गया। और अगर किसी प्लांट में डॉर्फनेस है तो हमको वहाँ पे उसकी डॉर्फनेस ही चाहिए, ये उसका डिजायरेबल कैरेक्टर है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमको, जैसे कि फूडर क्रॉप्स का मैं आपको एग्जांपल दूँ, फूडर क्रॉप्स हम क्यों उगाते हैं, उसको हम एनिमल फीड के लिए उगाते हैं। तो फूडर क्रॉप्स कैसी होनी चाहिए, टॉल होना चाहिए, उसमें ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होना चाहिए। और वहीं अगर मैं बात करूँ सीरियल्स की, तो सीरियल्स प्लांट्स कैसे होते हैं, ड्वार्फ होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। उनके छोटे होने का फायदा ये है कि वो न्यूट्रिएंट को कम अमाउंट में एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट जितना छोटा होगा वो उतनी कम न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा और
प्लांट जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट उतनी ही ज्यादा होगी। तो हमारा प्लांट कैसा होना चाहिए?